नमस्कार किसान भाइयों, बाजार रिपोर्ट चैनल पर मैं हेमंत यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं हूं वेदी फ्रूट कंपनी और आज इस वीडियो में नरेंद्र भैया से जानेंगे प्याज का ताज़ा अपडेट, क्या बाजार देखने को मिला है, कितनी आवक देखने को मिली है, प्याज की कैसी कैसी क्वालिटी आ रही है। कैसे हो सर? बढ़िया यादव जी, आप बताओ। बस बढ़िया। सबसे पहले तो सर नए साल की आपको राम राम। आपको भी नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो, हमारे किसान भाइयों को, व्यापारी भाइयों को और पूरे देशवासियों को, सबको नरेंद्र भाई की तरफ से नए साल की मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। बहुत बढ़िया सर। तो सर आज जयपुर में क्या बाजार खुला है? 1 जनवरी 2024 हो गया है। हाँ जी, आज प्याज में कुछ करंट है जी। अच्छा जी, प्याज के अंदर अपना लोकल माल बिका है 10 रुपए से लेके 22 रुपए तक। बिल्कुल बिल्कुल, जो कोटा झालावाड़ है, अपना अलवर है, ये 10 रुपए से लेके 22 रुपए किलो तक। अच्छा जी, जैसे माल वैसे भाव। और यही नासिक की प्याज बात करते हैं तो नासिक का बाजार है 20 रुपए से लेके 24-25-26 रुपए तक। अच्छा जी, और पूना वाले माल बिके हैं, ऊपर में एक दो लॉट बिके हैं 27-28 रुपए। अच्छा जी, हाँ जी, पूना वाला बिका है सर। हाँ जी, और ये अपना गुजरात की आज 3 गाड़ी आई थी, गुजरात के माल भी बिके 22 रुपए से लेके 26 रुपए तक। अच्छा जी सर। हाँ जी, हाँ जी। तो सर जो बाहर का माल आ रहा है वो इतना महंगा बिक रहा है, क्वालिटी अच्छी आ रही है क्या? नहीं, क्वालिटी में सुधार हुआ है। अच्छा जी, क्वालिटी में भी सुधार है। और कुछ आज बाजार में पीछे हड़ताल का भी फर्क है। हाँ, ये जो ट्रक वाले, जो ट्रांसपोर्ट वाले, ये क्या पीछे व्यापारी जिन्होंने भेजी है वो रोक के बिकवा रहा है। बिल्कुल, उनका रोक के बिकवाने का वाजिब भी है। आज बाजार करंट खोला है तो बिका भी है। बिल्कुल बिल्कुल, प्याज में कुछ करंट का माहौल दिख रहा है। और पीछे नासिक मंडियों में भी आज 1 से 2 रुपए की तेजी बता रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा। जो माल पिछले हफ्ते 10 रुपए से लेके 15-16 पे आ गए थे, वहाँ भी 22-23 ऊपर में 21-22 रुपए के बाजार बिके आज। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। तो कहीं ना कहीं आज अलवर, कोटा, झालावाड़ वाले किसान हैं, उनका जो प्याज है 18-20 रुपए से लेकर एवरेज माल मानो आप 15 रुपए से लेकर 20 रुपए, बढ़िया माल मानो आप 20 रुपए से लेकर 22-23 रुपए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, कोटा झालावाड़ का या अलवर का जो भी क्वालिटी बढ़िया है वो बढ़िया माल तो बिके सुपर में 20-20 रुपए से लेकर 22-23 रुपए। अच्छा जी, अच्छा जी। और एवरेज बिका है 15 से 20, और जो गुलटा थोड़ा जोड़ जाड़ है, एक दो दाने शिकायत दागी है, वो माल बिके 10 से 15 रुपए। तो सर माल कहाँ कहाँ से आया, कितना आया आज? माल चारों तरफ का जी। अच्छा जी, हाँ जी, अपना गुजरात का भी आया हुआ है, भावनगर भी आया हुआ है, महुआ भी आया हुआ है, इधर पूना की भी 1-2 गाड़ियाँ देखने को मिली है, नासिक की 8 से 10 गाड़ियाँ देखने को मिली है, बाहर की लगा लो कल और आज के अंदर 20 से 25 गाड़ी मानो। अच्छा, ऊपर नीचे। पर सर आवक कम है सर? नहीं, आवक ठीक है, इतनी कम भी नहीं है। अच्छा जी, लेकिन जो ये हड़ताल का चक्कर बता रहे हैं, व्यापारी बेचने दे रहा है यहाँ, उस चक्कर में बिक्री भी ठीक है। तो लोकल माल तो ये मानो आप ज्यादा से ज्यादा पूरी मंडी के अंदर 5 से 7 हजार घटा। अच्छा जी, मतलब जिसमें अलवर, कोटा, झालावाड़ लगा के? अलवर, कोटा, अलवर का तो ये मानो 1000 से 1200 घटा। बिल्कुल, बिल्कुल। और कोटा का मानो आप 5 से 6.5 हजार घटा। अच्छा जी, अच्छा। हाँ जी, और बाकी 5-10 गाड़ियां ये बाहर की है? बाहर की है 25 गाड़ियां जी, कल भी उतरी है और आज भी है। अच्छा, कल का और आज का बैलेंस लगा के दोनों का लगा? हाँ जी, कल आज ताजा गाड़ियां हैं 13 से 14 गाड़ियां। अच्छा, और कल 10-12 गाड़ियां कल उतर गई थी। अच्छा जी, तो टोटल कितने कट्टे होंगे सर आज पूरी मंडी में? ये लगा लो ऊपर नीचे सारी हर तरफ की आप माल लगाते हो तो मंडी मानो 15 से लेकर 20 से 22 हजार कट्टा। अच्छा जी, हाँ जी, हाँ जी सर। फिर ग्राहक की भी अच्छी है और भाव में भी अच्छा देखने को? बाजार में जब करंट होता है ना तो ग्राहक ऑटोमेटिक बिक्री बढ़ती है। अच्छा जी, अच्छा। हाँ जी, जब बाजार टूटते है तो बिक्री टूटती है। आज बाजार में करंट दिखा तो ग्राहक 10 कट्टे लेने वाला भी आज 20 कट्टे ले रहा है। अच्छा जी, कि कल को अगर मंडी में गाड़ी में हड़ताल चल रही है, कल को माल कम आता तो और टाइट ना हो जाए। बिल्कुल सर, सही कह रहे हो। बाजार कहीं भी हो, जब तेजी होती है ना तो 1-2 रुपए जब उछाल होता है तो ऑटोमेटिक ग्राहक बढ़ता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और बाजार टूटते में ग्राहक खत्म हो जाता है। और सर जैसे ये हड़ताल का भी कोई फर्क थोड़ा सा देखने को पड़ा? हाँ, है इस चीज का तो मानो हड़ताल का आज तो हमें कम दिख रहा, कल या परसों पता लगेगा माहौल तो इसका। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि सर हो सकता है अगर जैसे अभी पूरा प्रॉपर हड़ताल नहीं हुई है, धीरे धीरे हो जाएगी तो माहौल कुछ और हो सकता है। हड़ताल तो बता रहे हैं पूरी पूर्ण रूप से है, लेकिन जो पीछे कोई भी गाड़ियां लोड हो रही है ना वो अपने रिस्क पे बढ़वा रहे हैं। अच्छा, गाड़ी पहुंच गई तो सही है, नहीं पहुंची तो आपका रिस्क है, अब वो रास्ते में ही रहेगी फिर। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, यानी ड्राइवर के ऊपर नहीं थोप सकते हम। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो अपने इधर उधर से कैसे भी अगर लेके आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो रास्ते में भी खड़ी रह सकती है। हाँ जी, हाँ जी, ट्रांसपोर्ट गाड़ियाँ दे रहा है। अच्छा जी, ट्रांसपोर्ट ये कह रहा है भाई माल पहुँचने की गारंटी हमारी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, नासिक वाले, मैंने नासिक में फोन किया था, नासिक वाले भी कह रहे हैं भाई गाड़ी आ तो रही है
नहीं वो ऐसे कह रहे भाई पहुंचेगी तो सही है, नहीं पहुंचेगी तो हमारी जिम्मेवारी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी जी सर, जैसे ये नासिक वाला है। हाँ जी जी। तो ये क्या बिका है सर? देखो जी बताने के तो 26-27 रुपए है, लेकिन यही 24-25 रुपए मानो। अच्छा जी, ये पूना वाले हैं जी, ये पूना वाले हैं जी, नासिक नहीं है। अच्छा पूना के हैं? हाँ जी हाँ जी। अच्छा जी, और वो सर सामने नासिक का ये है जी, एवरेज माल है, 20 रुपए किलो बता रहे। नहीं नहीं, ये जो सामने है सर। हाँ ये जाली में नासिक है, 22-23 रुपए। अच्छा जी अच्छा, और वो उधर छोटे वाले? वो गुलटा नासिक का गुलटा है जी, वो यही मानो 13-14 रुपए। अच्छा, तो प्याज में कहीं ना कहीं माहौल ठीक बन रहा है सर? हाँ माहौल बन भी रहा है, क्वालिटी सुधरेगी। तो मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर क्वालिटी में सुधार आता है, मासा कोई माल मिलता है तो बाजारों में तेजी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी जो ये तेजी दिख रही है, ये 2-3 दिन बाद पता लगेगा पूरा माहौल का। हाँ ये अभी इसको कच्ची तेजी कह सकते हैं अभी फिलहाल तो, क्योंकि कच्ची तेजी नहीं कह सकते, क्योंकि अच्छा। कच्ची तेजी का मतलब होता है हड़ताल। अच्छा जी। जो ये कच्ची तेजी, लेकिन पीछे आज नासिक मंडियों में हड़ताल होने के बावजूद भी पीछे नासिक मंडियों में 2-3 रुपए किलो उछाल देखा गया। अच्छा जी, तो आगे देखो भविष्य क्या होता है। हाँ वो तो 2-4 दिन में पता लगेगा मार्केट कहाँ तक जाता है। जब मंडियों में बिक्री बनी रहेगी तो बाजार में करंट रहेगा, अब मंडियों में बिक्री टूटेगी फिर बाजार स्टेबल हो जाएंगे। और सर मुझे लगता है अगर जैसे ये गाड़ियां अगर एक दूसरे जगह सिटी में नहीं जाएंगी तो प्याज में कुछ भी उतार चढ़ाव आ सकता है। नहीं नहीं, डिमांड भरपूर है, डिमांड भरपूर है, क्योंकि बीच में जो माल आ रहे थे अलवर के लोग, जो लोकल माल थे, वो कच्चे पच्चे माल आ रहे थे। बिल्कुल। वो 1-2 दिन नहीं रुक रहे थे, अभी नासिक के हैं, पूना के, ये माल 3-4 दिन रुकने की इनकी कैपेसिटी है। बिल्कुल। जिससे व्यापारी कोई भी खरीदार है वो लेता है तो 2-3 दिन का कोटा ले लेता है, इससे बिक्री बनी रहेगी और उसको भी नुकसान नहीं होता। वो सोचता है कि भाई मैंने आज खरीद लिया तो मैं 5 दिन तक अगर नहीं भी बिकता है तो नुकसान नहीं होगा। 4-5 दिन में उसका कोई प्याज बिगड़ने वाला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी, क्वालिटी क्वालिटी में सुधार आएगा तो ग्राहक भी सोचे 2-4 दिन का कोटा ले ले यार, कल को बाजार क्या रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जैसे अभी गुजरात वाला है। हाँ जी जी। वो प्याज अभी पूरी तरह से नहीं शुरू हुआ है। नहीं, गुजरात अभी आने वाले 10 दिन में आपको बाहर के ही माल मिलेंगे मंडियों के अंदर। अच्छा, लोकल खत्म हो जाएगा। लोकल मानो 5% मानो, 5% आ जाएगा। तो सर प्याज की क्वालिटी अगर देखें तो जैसे लोकल अपना है उसकी क्वालिटी इतनी बन नहीं पा रही है, और जो ये जो प्याज है ये क्वालिटी वाला है और ये महंगा भी बिक रहा है। नहीं, बाहर की क्वालिटी क्या है, ये ग्रेडिंग बन के आती है। अच्छा, ग्रेडिंग बन के आती है। हाँ जी, नासिक और पूना की प्याज की क्वालिटी बन के आती है, ग्रेडिंग होती है। जैसे अभी गुलटा दिखा रहे हो। बिल्कुल। गुलटा अलग है, मीडियम प्याज अलग है, मोटा प्याज अलग है। बिल्कुल, ये सब बस वही इसी का खेल है, ग्रेडिंग। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये ग्रेडिंग बन के आती है इसलिए भाव ठीक आता है। और प्याज 25 रुपए लगे भाई। तो जो इसमें आप लोकल उसकी बात मत करो, लोकल में भी आप एक क्वालिटी बन के आए ना, किसान अगर क्वालिटी बना के लाता है तो आज 22-23 रुपए नासिक के भाव बिका है। आज तो बिका है सर। हाँ, आज नहीं, क्वालिटी बिकती है भाई साहब, 7 रुपए किलो आलू 7। तो सर जैसे किसान भाइयों को प्याज को अब रोकना चाहिए, जैसे अगर क्वालिटी है तो भाव के चक्कर में 2-4 दिन नहीं। आप हमेशा कहते हैं रोकना चाहिए, रुकेगी नहीं। नहीं, अगर अच्छी क्वालिटी की है 2-4 दिन अगर भाव की उम्मीद है तो अगर किसान तो मैं समझे नहीं, आप क्वालिटी बना के बेचो मंडियों में तो 2-4 दिन में अपना रुकवा के बेचो। अगर बाजार आपको करंट दिख रहा है तो रुकवा के बेचो, व्यापारी रुकवा के बेच ही रहा है तो। बिल्कुल बिल्कुल, कम नहीं है जी। तो सर अपना कॉन्टेक्ट नंबर बताएं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर जी 870-8771-652, नाम नरेंद्र, वेदी फूड एंड कंपनी, A6 मोहाना, जयपुर। चलो जी, धन्यवाद सर। ओके सर।